मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है जन्मभूमि की गुम्बद और उसके बगल में लगी हुई शाही ईदगाह जो कि औरंगजेब ने वृंदावन के एक मंदिर के पत्थरों से ही बनवाई है। आप जो सामने देख पा रहे हैं कमरे, इन कमरों को बोला जाता है कि ये कुछ इनमें से एक गुफा भी थी जो जन्मभूमि में अंदर अंदर कनेक्टेड थी। लगभग 7 जेल शाही ईदगाह के नीचे दबी हुई हैं और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि बिल्कुल उसकी दीवार से लगी हुई है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं मथुरा की जन्मभूमि से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के, जिन रहस्यों को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि अलग अलग आताताइयों द्वारा कई बार तोड़ी गई और कई बार बनाई गई। मुख्यतः 3 बार ये जड़ से नष्ट की गई है और 4 बार इसका पुनर्निर्माण करवाया गया है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं मथुरा की जन्मभूमि से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के, जिन रहस्यों को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है जन्मभूमि की गुम्बद और उसके बगल में लगी हुई शाही ईदगाह जो कि औरंगजेब ने वृंदावन के एक मंदिर के पत्थरों से ही बनवाई है। और भी ऐसे कई सारे रहस्य जो इस मस्जिद और जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को शेयर करके सभी तक पहुंचाएं ताकि हमारी सनातन संस्कृति की प्राचीन धरोहरों के इतिहास के बारे में और लोगों को पता चल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षित, आप देख रहे हैं मेरो मथुरा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ये वीडियो आ रहा है सीधा ब्रश से आप तक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जन्मभूमि के इतिहास के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको दर्शन करा देता हूँ जन्मभूमि के। ये मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये है जन्मभूमि का गेट और वो जो आप ऊपर गुम्बद देख पा रहे हैं उसी गुम्बद के बिल्कुल नीचे हमारे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उस गुम्बद के बगल में जो आप देख रहे हैं वो है शाही ईदगाह जो औरंगजेब द्वारा बनवाई गई थी। आप जो नीचे देख पा रहे हैं ये है पोतरा कुंड। पोतरा कुंड वह कुंड है जहाँ श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात माता देवकी ने उनके सोभड़ के कपड़े जिस कुंड में धोए थे ये वही कुंड है। ऐसा बोला जाता है कि इस कुंड का जो पानी है, मथुरा जिले में ही एक क्षेत्र है नौहझील, वहाँ पर एक नहर है, उस नहर से अंदर अंदर इसका पानी आता है और इसके अंदर कुछ 7 से 8 कुएं हैं और ये बहुत गहरा है इसलिए इसके अंदर एंट्री बंद है, यहाँ आप नहा नहीं सकते। पर इसके अंदर एक अच्छी चीज़ देखने को आपको ये मिलती है कि इसमें आज भी इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जिस तरीके से राधा कुंड में आपको देखने को मिलती हैं, कुछ उस तरीके की मछलियाँ इसके अंदर हैं और रात को इन फाउंटेन्स के थ्रू बहुत अच्छी लाइटिंग, बहुत अच्छी यहाँ पर फव्वारों के साथ एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट होता है। और आप जो सामने देख पा रहे हैं कमरे, इन कमरों को बोला जाता है कि ये कुछ इनमें से एक गुफा भी थी जो जन्मभूमि में अंदर अंदर कनेक्टेड थी, तो कालांतर में ये जो गुफा हैं वो बंद कर दी गई और इनका रास्ता जन्मभूमि से बंद कर दिया गया, पर ये गुफा देखने को हमें आज भी मिलती हैं। अब हम बात करते हैं जन्मभूमि के इतिहास के बारे में। जन्मभूमि को सबसे पहले बनवाया था कृष्ण जी के प्रपौत्र यानी कि कृष्ण जी के परपोते वज्रनाभ जी ने। वज्रनाभ जी के नाम पर ही हमारे मथुरा के इस जगह का नाम पड़ा ब्रजमंडल। ब्रजमंडल वज्रनाभ जी के नाम पर ही पड़ा है। तो वज्रनाभ जी ने सबसे पहले मल्लपुरा कटरा केशव देव नाम का ये जगह थी जहाँ कंस का कारागार था, उसी जगह पर सबसे पहला मंदिर अपने कुल देवता, अपने पूर्वज की याद में बनवाया था। उसके बाद हमें वर्णन मिलता है कालांतर में कई हजार साल के बाद जब मंदिर की जर्जर अवस्था थी तो भारत के एक बहुत ही यशस्वी राजा जिनका नाम था सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्होंने 400 ईस्वी के आसपास एक ऐसा भव्य मंदिर तैयार किया, एक ऐसा भव्य मंदिर बनवाया कई करोड़ों की धनराशि से, जिस मंदिर का ऐश्वर्य अपने आप में देखने लायक था। एक ऐसा मंदिर जो कि कला और संस्कृति के बहुत बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हुआ जो कि बाद में पूरे विश्व में प्रसिद्ध भी हुआ। जन्मभूमि एक संस्कृति और कला का एक ऐसा केंद्र था जिसको देखने के लिए काफ़ी सारे विदेशी यात्री जहाज़ों का सफ़र करके सिर्फ ये देखने आते थे कि इस जन्मभूमि में ऐसा आकर्षण क्या है जो पूरा भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व इसके ऐश्वर्य पर बलिहार है। देखते ही देखते 500 से 600 वर्ष गुजर गए और लगभग 1017 ईस्वी में भारत के ऊपर आक्रमणकारी आए। उन आक्रमणकारियों में महमूद गजनवी एक ऐसा आक्रमणकारी था जिसने भारत के अंदर काफ़ी सारे मंदिरों को तोड़ा और उनका धन लूटकर अपने देश ले गया। उसी दौरान
मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि पर भी महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि को लूटा नहीं बल्कि जड़ से उसको नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। जो इमारत, जो भव्य महल कृष्ण जी के नाम पर बनाया गया था राजा विक्रमादित्य द्वारा, उसको उन्होंने जड़ से नष्ट कर दिया। कृष्ण जन्मभूमि का तीसरी बार निर्माण राजा विजयपाल देव के शासन के दौरान जज नामक व्यक्ति ने 1150 ईस्वी के अंदर करवाया। इसका प्रमाण हमें मिलता है कि इसकी खुदाई में कुछ ऐसे शिलालेख मिले संस्कृत के, जिन पर यह लिखा हुआ है कि 1150 ईस्वी में जज नामक व्यक्ति ने इसका निर्माण करवाया है। 16वीं शताब्दी के अंदर मोहम्मद लोदी ने इस पर आक्रमण करके इसको फिर से एक बार जड़ से नष्ट कर दिया गया। मोहम्मद लोदी के जन्मभूमि को नष्ट करने के लगभग 125 वर्षों के बाद जहांगीर के शासनकाल में ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने इसका फिर से एक भव्य तरीके से चौथी बार निर्माण करवाया। ये चौथे राजा थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया और चौथी बार जन्मभूमि फिर से एक भव्य रूप में दोबारा से खड़ी हो गई। पर जहांगीर के बेटे औरंगजेब ने इससे चिढ़कर, इसकी भव्यता से चिढ़कर इसको फिर से अपने शासनकाल में ध्वस्त कर दिया गया। इसमें जहां बोला जाता है जहां पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस जगह के बिल्कुल ऊपर शाही ईदगाह बना दी गई। वृंदावन के अंदर एक मंदिर है गोविंद देव जी। गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था और वो 7 मंजिल का मंदिर था। उसमें लाल पत्थर से वो मंदिर बना हुआ था जो कि बहुत ही प्राचीन किस्म का पत्थर था और बहुत अच्छी क्वालिटी का पत्थर था। उस मंदिर की लगभग 4-5 मंजिलों को गिरा कर उसने जन्मभूमि की जगह पर शाही ईदगाह बना दी और शाही ईदगाह के बिल्कुल पीछे आज मथुरा की जन्मभूमि स्थित है। बोला जाता है कि लगभग 7 जेल शाही ईदगाह के नीचे दबी हुई हैं और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि बिल्कुल उसकी दीवार से लगी हुई है। जो 8वीं जेल थी जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ वो आज खुली हुई है, बस वो 1 जेल और उसी की जगह पर कृष्ण जन्मभूमि बनी हुई है। जो हमें गुम्बद देखने को मिलती है वो उसी कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल ऊपर है और उससे लगी हुई दीवार से औरंगजेब द्वारा बनवाई गई शाही ईदगाह यहाँ पर स्थित है। मथुरा के इन दो ढांचों के ऊपर बहुत वाद विवाद चला, दोनों पक्षों से इसके ऊपर कोर्ट में केस भी चला, जिस केस का निष्कर्ष ये निकला कि दो जो ढांचे बने हुए हैं ये इसी स्थिति में बने रहेंगे और दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं होगी। बोला जा रहा है कि योगी जी के शासन में इस पर दोबारा से कार्यवाही शुरू होगी। अब होगी या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है, आपको कैसा लगा इस इन्फॉर्मेशन को जानकर, आपको क्या महसूस हुआ हमारी भारत की इन प्राचीन धरोहरों के इतिहास के बारे में जानकर, आपको कैसा लगा कृष्ण जी की जन्मभूमि के इस इतिहास के बारे में जानकर, ये कॉमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को सभी को शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाले ऐसे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और मेरा नाम है अक्षित, आप देख रहे हैं मेरो मथुरा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये आ रहा है वीडियो सीधा ब्रश से आप तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को राधे राधे।